या ये एक्टिविज्म करके सत्ता में आई है क्या कि नागरिकों के सामने पारदर्शिता बरतनी चाहिए। हर संभव कोशिश की गई नागरिकों को ठगने की, उन्हें गलत सूचना देने की। अंततः एक एमएलए को सदन में प्रश्न पूछना पड़ा, वो जो पुराना जमाने में हुआ करता था जब आरटीआई नहीं होती थी, उस जमाने में पूछने का क्या तरीका था कि कोई एमपी एमएलए मिल जाए उससे आप पूछवा दीजिए, तब आपको जवाब मिलेगा, नहीं तो सरकार से आपको जवाब तो मिल नहीं सकता। तो अंततः वही रास्ता अपनाया गया, एक प्रश्न पूछा पंकज पुष्कर ने असेंबली, और समझदारी से यह पूछने के बजाय कि दिल्ली में शराब की दुकानें कितनी बढ़ी है, इन्होंने सरकार को सरकार की अपनी लिस्ट दी कि इस कैटेगरी में आपने कितनी दुकानें थी सन 2015 में 14 फरवरी को जब आपने सरकार शुरू की और आज कितनी, वो बताने में भी सरकार ने चला की। सरकार ने कहा सन 2014-15 में हमने इतने लाइसेंस दिए हैं, संपर्क आज की तारीख में टोटल लाइसेंस की संख्या कितनी है, ये नहीं बोला कि कितने हमने लाइसेंस दिए। उसके साथ में पंकज जी ने ये भी पूछ लिया कि जितने जिस जिसको लाइसेंस मिला है सबका नाम पता वो भी दे दीजिए, तो वो ये पेज है, ये जो 200 पेज के करीब है, कितने 250 के करीब पेज है, ये लिस्ट है जो कि सरकार ने दी। सरकार ने सोचा होगा पड़ता कौन है, इतनी लिस्ट दे दो, क्योंकि उन्होंने मांगी थी देनी तो पड़ेगी। हमारे साथियों ने मिलकर एक एक चीज को चेक किया और किस साल में लाइसेंस किस दुकान को मिला वो चेक किया, उससे वो सच सामने आया जो कि सरकार ने बताया नहीं था। सरकार ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए वो भी सच्चे नहीं, उसमें भी इस चीज को दबाया गया। और सच बात यह कि पहले एक दो दिन हम भी भ्रम में रहे, हमने कुछ ट्वीट किया कि नहीं ये तो 58 नहीं है, 100 है, 125 है, फिर मैंने कहा नहीं शायद 142 है। सारा आंकड़ा जब सामने आया अब आपके ये हमने एक एक चीज को चेक किया है, एक एक कैटेगरी के एक एक नाम को चेक किया है और टोटल आंकड़ा है 399। दिल्ली को नशा मुक्त करने वाली इस सरकार ने 1.25 साल में इतने लाइसेंस दिए हैं जितने आज तक दिल्ली में किसी सरकार ने 1.25 साल में नहीं। 399 उस दिन के थे, 10 अगस्त के, आंकड़ा 400 को क्रॉस कर चुका है। क्योंकि हर रोज नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि हम दिल्ली में बिल्कुल अगले साल से बंद कर देंगे, और उसी दिन 16 अगस्त को दिल्ली में नया ठेका खुल रहा है। तो 10 अगस्त की सूचना है, उसके बाद और खुल चुके हैं, तो आंकड़ा 400 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन 399 सरकार के अपने दिए हुए आंकड़े। एक एक कैटेगरी देख लीजिए, मुख्य कैटेगरी से जो मुख्यमंत्री बात करते हैं वो L6 की बात करते हैं। L6 कैटेगरी थी जिसमें पहले 380 हुआ करते थे, वो बढ़ के 386 हो गए, और मुख्यमंत्री के हिसाब से दिल्ली में शराब की दुकान केवल इसी को कहा जा सकता है और कोई शराब की दुकान नहीं है। अब आप देख लीजिए आगे की कैटेगरी, रिटेल वेंट ऑफ कंट्री लेकर इन पब्लिक सेक्टर शराब की दुकान है ना, रिटेल वेंट ऑफ इंडियन लेकर इन प्राइवेट सेक्टर। सबसे महत्वपूर्ण है L10 और L12। एक दिन हमें एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी L10 का खेल समझाने, बहुत गहरे खेल है, लेकिन अभी तो सिर्फ गिनती गिन पा रहे हैं। L10 में रिटेल वेंट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लेकर इन शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट कितनी वृद्धि हुई, 67 न्यू शॉप्स हैव बीन ओपन्ड इन द लास्ट ईयर एंड क्वार्टर। रिटेल वेंट ऑफ बियर एंड वाइन इन डिपार्टमेंटल स्टोर, बियर के प्रति बड़ा स्नेह था पता नहीं क्यों, 69 का, उसमें कुछ बियर शाला भी खुल रही है दिल्ली में, बार शाला खुली है, बियर का कंजम्पशन वगैरह काफी तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, काफी बड़े बड़े आंकड़े पहुंचे। 69 बियर की नई शॉप्स खुली, और सबसे बड़ी कैटेगरी आप देखिए जो छुपी हुई कैटेगरी है, सर्विस ऑफ इंडियन लेकर एंड इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट्स, रेस्तोरा को परमिशन देना, जिस रेस्तोरा को कल तक दारू सर्व करने की परमिशन नहीं थी उसको लाइसेंस देना कि हाँ आप दारू सर्व कर सकते। ये सब जगह है जहां आप जाके पैसा देके दारू खरीद सकते हैं, कहीं पे बोतल की
लोगों की मोटी बुद्धि में इन सबको दारू की दुकान बोला जाता है, यहाँ सब जगहों से दारू खरीदी जाती है। उनकी संख्या पिछले सवा साल में 399 बढ़ गई। हम आपको पूरे उपलब्ध करवा देंगे और इस ये तो पूरी लिस्ट है जितने भी लाइसेंस धारी है, जो टोटल 1823 जो है उनकी लिस्ट को, मगर हमने आपकी सुविधा के लिए वो जगह मार्क कर दी है जो सन 2015 या 16 में खुली थी, और हमारी इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम अपलोड कर रहे हैं। हमारी एजम्पशन ये है कि सन 2015 में 14 फरवरी को इस सरकार ने कार्यभार संभाला था और कोई 20 दिसंबर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका, तो जाहिर है 1 जनवरी 2015 से लेके 14 फरवरी तक कोई नया टीका खुल नहीं सकता, दिल्ली में कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो जहां जहां 2015 लिखा है जिस लाइसेंस पे, वो 14 फरवरी 2015 के बाद का ही हो सकता है, उससे पहले का नहीं हो सकता। तो पहली खबर ये कि 399 दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक दारू के ठेके खुले। ठेके खुले तो क्या हुआ, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा। ये देखिए सरकार का रेवेन्यू, आज तक दिल्ली के इतिहास में सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू 1 करोड़ रुपए में है, 3589 करोड़ रुपए सरकार को रेवेन्यू मिला है। इसकी कई वजह हो सकती है, हो सकता है सरकार ने चोरी कुछ कम की हो, बहुत अच्छी बात है, बधाई की बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दारू का कंजम्पशन बढ़ा, जो सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसके बारे में भी सरकार आंकड़े छुपा रही है, वो भी आपके सामने रखे जाने वाले। रेवेन्यू सरकार का बढ़ा, एक साल में कितना बढ़ा, 600 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ा। तो मोटे तौर पर सरकार को 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ इससे, और एक साल में 600 करोड़ एक्स्ट्रा सरकार। अब आप सोचेंगे कि इतना रेवेन्यू हाथ में आया तो सरकार मध्य निषेध के लिए क्या करेगी? जी, बिल्कुल। अभी तो सर व्हाइट की बात कर रहा हूं, अंदर खाते वाले के लिए मैंने कहा ना एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो टेबल के नीचे से जो कुछ हुआ ये तो दिल्ली सरकार को जो प्राप्त हुआ सरकार की ऑफिशियल फिगर, और ये जो असेंबली में बताए अभी तक जो आप सब पत्रकार हैं आप जानते हैं कि नई दुकान खोलने के लिए लाइसेंस फी तो ऊपर से दी जाती है, शायद नीचे से कुछ दिया जाता है, अदरवाइज लेके खोलते नहीं। उसकी गिनती मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार के आंकड़े आपको बता रहा हूं। तो सरकार को उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा पक जाने दीजिए, वो भी आपके सामने लेके। एक सिर्फ इशारा कर दूं, इस मामला उत्तराखंड तक जाता है, चेक कीजिएगा पत्रकार। कोई 600 करोड़ रुपए की नई आमदनी हुई। अब इस 600 करोड़ रुपए का सरकार क्या करती है? आप सोचिए, एक सरकार को 600 करोड़ रुपए की आमदनी हो जाएगी, सरकार डी एडिक्शन करना चाहती है। जैसा आप सबको पता होगा, ये सरकार नशा मुक्त दिल्ली करने वाली है, नशा मुक्त पंजाब होने वाला है, गोवा भी नशा मुक्त होने वाला है, जल्दी भारत नशा मुक्त करने वाला है। तो नशा मुक्त करने वाली ये सरकार कितने पैसे खर्च करती है इस अभियान की, ये सारी सूचना कल शाम को दिल्ली असेंबली में प्राप्त हुई। पंकज पुष्कर जी ने एक और सवाल पूछा दिल्ली असेंबली में कि आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में डी एडिक्शन, प्रोहिबिशन, इस तरह के नशा मुक्ति से जितने भी रिलेटेड चीजें उस पे आपने कितना खर्च किया। ये माफ कीजिएगा, यहां गलती है, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये टोटल डी एडिक्शन प्रोग्राम्स के दिल्ली सरकार का, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि आपके कितने डी एडिक्शन के प्रोग्राम्स हैं और उस पे ये जो ओवरऑल बजट है इस संबंध में सवाल था, वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे डी एडिक्शन केंद्र खोलना, इलाज, पुनर्वास, इन सब का विवरण क्या है और इन सब पे टोटल खर्च आपने कितना किया, ये प्रश्न। पहला पैच, दिल्ली में एक भी नया डी एडिक्शन सेंटर नहीं खुला है। सरकार से जब पूछा गया, सरकार ने 5 गिनाए, पंकज जी ने पूछ खड़े होकर विधानसभा में कहा इस 5 में से पिछले एक साल में कितने खुले हैं, नहीं जी तो पहले से चल, एक भी नया डी एडिक्शन सेंटर नहीं खुला है। दूसरा, कितना पैसा खर्च किया गया, पहले मैं आपको पुराने आंकड़े बता देता हूं। दिल्ली की पिछली जो चुनी हुई सरकार थी 13-14 में
क्योंकि 14-15 में तो कोई चुनी हुई सरकार नहीं, 13-14 में चुनी हुई सरकार ने 4,60,00,000 रुपए का बजट रखा ई एडिक्शन और इसको दारूबंदी रिहैब इन सब चीजों के लिए 4,60,00,000 का बजट रखा, जिसमें से 4,41,00,000 के करीब खर्च किए, बहुत कम था। इस सरकार के पास तो 600 करोड़ की एडिशनल इनकम थी, इस सरकार ने क्या किया, 1 करोड़ का बजट रखा और एक्चुअली साल भर में कितना खर्च किया, 16,000 एक्चुअल खर्च, उसके साथ में एक विज्ञापन का खर्च भी इन्होंने जोड़ दिया है, जिसको जोड़ के कह रहे हैं कि 1,79,000 रुपए, चलो वो भी आप मान लो, दोनों को मिला 2 लाख से कम रुपया खर्च हुआ है, जबकि पिछली चुनी हुई सरकार ने 4,41,00,000 रुपए इस मद पे खर्च किया। पिछले 10 सालों का सारा रिकॉर्ड दिल्ली असेंबली से हमें मिला है, पिछले 10 साल में इससे कम बजट डी एडिक्शन के लिए कभी नहीं था, इससे कम खर्चा इन एक्टिविटीज पे सरकार ने कभी नहीं किया। सारे आंकड़े आपके सामने, इसकी कॉपी 10 साल के पूरे आंकड़े। तो वो सरकार जो कह रही है कि डी एडिक्शन करना हमारा एजेंडा, जो शुरू में दिल्ली दिल्ली का ऑर्डर पंजाब में जाएगा, जो जो दिल्ली में डी एडिक्शन करने जा रही है उसने आज तक दिल्ली के इतिहास में सबसे कम पैसा डी एडिक्शन के लिए बजट किया और जो बजट किया उसको भी खर्च नहीं किया। एक साल का बजट 1 करोड़ था इनका और खर्च 2 लाख भी नहीं किया, 1,79,000 एक एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो, विश्व मद्य निषेध दिवस होता है जिसमें सरकार बिना सोचे एक विज्ञापन दे देती है, वो विज्ञापन में 1,79,000 खर्च हुआ, उसके अलावा 16,000 किसी और मद्य निषेध पे है, शायद हमें आरटीआई करके पूछना चाहिए 16,000 किस में, जरूर वो भी किसी चाय पकौड़े में गिरा होगा। तो ये बजट एलोकेशन, वैसे आपको ध्यान होगा जब 1 करोड़ रुपए अलॉट किया जा रहा था मद्य निषेध के लिए, उस समय सरकार की अपनी इमेज बनाने के लिए कितना खर्चा था, बजट था 526 करोड़, खर्च कितना हुआ है, सरकार कहती है 86 करोड़, केवल 86 करोड़, झूठ मत बोलो भी, सिर्फ 86 करोड़ खर्च किया, सीएजी कहता है शायद 114 करोड़, तो उसके लिए 114 करोड़, 36 करोड़ रुपए आपके पास एक दिन में खर्च करने के लिए अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए देश भर में, ताकि तमिलनाडु वालों को भी पता लगे कि कितना अच्छा काम होता है, पर आपके पास जिसे आप अपनी सेंट्रल एक्टिविटी बताते हैं उसके लिए खर्च करने को 1,79,000। आगे चलिए साहब, जनता को इन्वॉल्व करना, क्या जनता को इन्वॉल्व करना जरूरी था उस डिसीजन से, सरकार कहेगी हम क्या करेंगे, कानून में इसका परमिशन नहीं था,